आप सभी का स्वागत है। कल जयपुर में एसीबी की कार्रवाई के बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस पर खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। एक बात अमान चाल जी, ना तो कोई एसीएस और चाहे कोई चीफ सेक्रेटरी हो, वो सरकार के नीचे ही काम करते हैं। ना तो एसीएस को गलतफहमी होनी चाहिए ना सीएस को, सरकार ये किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की, सरकार लोकतांत्रिक होती है और सरकार लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। अधिकारी का अपना सम्मान है, विधायिका का एक डायरेक्शन होता है, कैबिनेट जो तय करती है, रूल ऑफ बिजनेस जो होता है वो तय है और रूल ऑफ बिजनेस के अनुसार डिपार्टमेंट। ऐसे तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा जिस ढंग से आप भाषा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एसीएस और सीएसओ उनका अपनी जगह सम्मान है, लेकिन सरकारी आदेश को मानना, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना, संविधान के अनुसार रूल ऑफ बिजनेस जो मंत्री तय कर देता है, कैबिनेट तय कर देती है, उसको मानना इन सबकी जिम्मेदारी। लेकिन एक सवाल ये है, लास्ट की जयपुर को बड़ा टारगेट बनाया गया इस कार्रवाई में, क्योंकि शिकायतें तो बहुत जगह से थी और जयपुर आरटीओ की शिकायतें लंबे समय से आती रही है। अब एक बात मानकर चलिए, जयपुर को टारगेट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, क्या कारण रहे, ये सब अब जब कार्रवाई हो चुकी है अब इसके बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन करे सुनिए, आपने अभी दो बार एक बात कही कि एसीबी कहीं जाती है तो कार्रवाई करती है, तो क्या कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं वैसी कार्रवाई पे? मैं ये मानता हूँ, आप ये मानकर चलिए, एक ही पकड़ा गया हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो अखबारों में आया है, बाकी क्या निर्दोष है? तो मैं निर्दोष है, दोषी और जांच का विषय है। निर्दोष और दोषी साबित करना ना एसीडी का काम है ना मेरा काम है, ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। भाई आप प्रूव करोगे? आज एसीडी में जो पकड़े हुए अधिकारी हैं वो आईएएस बने हुए, आईपीएस बने हुए, रोल कॉल पर हैं, तो जो सच सामने दिख रहा है वो यदि प्रताप सिंह खाचरियावास भी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा फिर राजस्थान में? क्या एसीडी में जो पहले पकड़े गए वो अभी है नहीं? कहीं तो एसपी लगे हुए, कई आईएएस लगे हुए, ये आप क्या बात करते हैं? जो है एसीडी ने अपनी कार्रवाई की है तो मुख्यमंत्री और सरकार की इच्छा इच्छा शक्ति से ही की है, लेकिन यदि कोई निर्दोष है तो उसको न्याय देना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, उसमें क्या हो गया? तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक की, बैठक के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है, पहले तो जांच की जा रही है और कितनी सत्यता है, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से वो बड़े अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता पाई गई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।